हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबी इज गार्डनिंग में। और दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ में अपनी बटरफ्लाई शेयर करने जा रहे हैं। हम बटरफ्लाई अपनी बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग भी देखिए कि कैसे बन रही है और कैसी लग रही है। और अगर अच्छी लग रही हो, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट्स भी कीजिएगा आप लोग दोस्तों। और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए और मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आप लोगों को अपनी बटरफ्लाई जो हमने हार्पिक की बोतल से मैंने तैयार की है। उसे आप लोग देखिए और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो बताइएगा। चलिए, ये मेरा अंदर का गार्डन भी, ये फूल, मालती में भी फ्लावर्स आने लग गए हैं। छत पे तो आ नहीं रहे थे क्योंकि बंदर आते थे, तोड़ के चले जाते थे, तो छत पे तो फ्लावरिंग हो ही नहीं पा रही थी। अब मैं नीचे ले आई तो फ्लावरिंग होने लग गई है, वरना ये कलियां सब बंदर तोड़ देते थे। देखिए दोस्तों, ये हार्पिक की बोतल है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। बाकायदा इसका मैंने ढक्कन बाहर निकाल के इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है डॉट को खोल के। अब मैं इससे जो है बटरफ्लाई मैं बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा कि मैं किस तरह से मैं बटरफ्लाई मैं बनाती हूँ। इस पहले मैं इस कागज़ पे मैं बटरफ्लाई ड्रॉ कर लूँगी, उसी की हेल्प से फिर मैं इसके ऊपर मैं बटरफ्लाई ड्रॉ करके फिर मैं आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने कागज़ ऐसे फोल्ड करके मैंने इसके ऊपर रख के ऐसे मैंने इसी के ऊपर ये मैंने बटरफ्लाई पहले मैंने ड्रॉ की, कागज़ रख के आपको मैंने दिखाया था। ऐसे ही मैंने इसको बटरफ्लाई को मैंने ड्रॉ कर लिया, क्योंकि ऐसे अगर मैं ड्रॉ करती तो मुझे डिब्बे का साइज़ क्या है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाती, तो मैंने ये ड्रॉ कर ली। फिर इसको मैंने कट कर लिया और फिर इसी को इसके ऊपर मैंने रख के इस पर मैंने ये ड्रॉ कर लिया स्केच पेन से। अब मैं इसको ऐसे ही मैं भी इस साइड भी मैं ड्रॉ कर लूँगी, इसको इधर ऐसे घुमा के मैं ऐसे रख दूँगी और फिर इस साइड भी मैं ऐसे ही बटरफ्लाई अपनी तैयार कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको कट करूँगी। अब मैं ड्रॉ करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस साइड भी ये बटरफ्लाई ड्रॉ कर दी है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और इस साइड भी मैंने बटरफ्लाई ड्रॉ की हुई है और यहाँ पे ये सेंटर पे इसकी बॉडी रहेगी और ये इसके पंख हो गए हैं। अब मैं इसको मैं कट करके फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। कट करने के लिए हमने ये हमने पेन टाइप का ये होता है रेजर, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है, अभी तक मैंने इसका यूज़ नहीं किया है दोस्तों। अब मैं इसका यूज़ मैं आज करने जा रही हूँ। अगर देखेंगे कैंची से हो जाता है तो फिर मैं कैंची से ही कर लूँगी, वरना फिर इससे करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये बटरफ्लाई इस पर ड्रॉ की थी और ये स्टेंसिल नाइफ मैंने ऑनलाइन मंगाया था, इसी की हेल्प से मैंने कट कर लिया है। अब आप देखिएगा, ये देखिए, एक ये इसका पंख तैयार हो गया है और एक इस साइड में ये इसका पंख तैयार हो गया है।
और ये जो इसका बीच का पार्ट होता है बॉडी, बॉडी को हम ये जो एक्स्ट्रा बाहर है इनको हम कट कर देंगे इस तरह से। ये जो बाहर को है ये कॉर्नर से जो बाहर आ गए हैं इनको हम कट कर देंगे। फिर हम बस तैयार हो गई हमारी बटरफ्लाई। फिर दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों मैंने ये बीच का भाग जो है कट कर दिया, ये बिल्कुल सीधा कर दिया है। और ये पंखों को ऐसे पीछे को पकड़ के ऐसे फोल्ड दिया है कर, देखिए इस तरह से। तो ये पंख ऐसे सीधे हो गए हैं और ये इसका ये जो है ये छूटा नहीं है दोस्तों। इसको मैं छुटाने की कोशिश करूंगी, नहीं छूटता है तो फिर मैं ब्लू का कलर कर दूंगी। और ये इसके ऊपर ये मैंने इसकी आईज और ये आगे जो होते हैं बटरफ्लाई के वो बना दिया है, इसमें होल कर दिया है। इसी में से धागा वगैरह डाल के अंदर नॉट बांध के और फिर ऐसे हैंग कर देंगे इसको। और एक चीज़ और है दोस्तों, आप लोग अगर आपके पास धार वाली कैची नहीं है, अगर किसी नोकदार चीज़ से आप ये वाला बीच का पार्ट जब आप कट कीजिएगा तो थोड़ा सा ध्यान से कट कीजिएगा। किसी धार या नोक वाली चीज़ से अगर आप लोग कट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। ये देखिए मेरे हाथ में बहुत अंदर वो नोक उसकी घुस गई है तो ब्लड निकल रहा है क्योंकि वो बहुत ही पॉइंटेड है ये स्टेंसिल नाइफ, तो इस वजह से। तो आप लोग ज़रा केयरफुली कीजिएगा जब भी बनाइए। और आप चाहें तो इसे कलरफुल भी कर सकते हैं, और सिर्फ अगर ब्लू रखना चाहें तो आप लोग इसको ब्लू भी रख सकते हैं। मैं तो बस ऐसे ही छोड़ रही हूँ अभी, इसको मैं कलर नहीं कर रही हूँ। और ये अगर नहीं छूटता है तो फिर मैं जो ब्लू पेंट इस पर कर दूँगी दोस्तों, और फिर मैं हैंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों मैं सिंपल से मैं जो हूँ ब्लू कलर की ही मैं रखने को थी, लेकिन अब जब मैंने वो वाइट कागज़ नहीं नीचे का छूट रहा था तो मैंने उस पर ये लाइट शेड में मैंने ब्लू शेड दिया क्योंकि ये वाला डार्क था, तो उसके साथ में लाइट थोड़ा लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है इसलिए मैंने लाइट रखा। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा चलो आउटलाइन कर देते हैं, आउटलाइन करते करते फिर डिज़ाइन बनाई और बनाते बनाते इतना कुछ बना डाला। अब आप लोग देखिए पूरी बटरफ्लाई ही कलरफुल हो गई है जिस तरह से होती है, और देखने में बहुत सुंदर लग रही है दोस्तों। और आप लोग बताइएगा कि क्या कैसी लग रही है। इसको मैंने सूखने के लिए रख दिया है क्योंकि ये अभी आप लोग देखिए अभी ये गीले हैं, सूख जाएंगे फिर मैं इसको मैं हैंग करके आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती हूँ। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और फिर मैं आपको हैंग करके भी मैं इसको दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हैंग होने के बाद ये कितनी खूबसूरत लगने वाली है। ये देखिए दोस्तों मेरी बटरफ्लाई है, ये देखिए लग रही है बटरफ्लाई, ये देखिए बनके तैयार है। और इसमें ये देखिए छोटा सा पॉट भी मैंने रख दिया है, इसको अभी हैंग करना है। इस पर मैंने वॉर्निश कर दी है तो अभी ये सूख रहा है इसलिए मैंने इसको हैंग नहीं किया है। ये जो शाइनिंग आ रही है ये वॉर्निश की वजह से ही है दोस्तों। ये देखिए टर्टल वाइन इसमें चिपक भी गई, ये आप बताइएगा दोस्तों कैसी लग रही है बटरफ्लाई। और ये छोटा सा इसमें छोटा सा पॉट भी है, अब इसमें जेट प्लांट है और ये इस तरह से है। और इसको मैं
यहाँ पे मैं हैंग कर दूँगी यहाँ पे, तो ये अपने झूलती रहेगी और उसमें पॉट भी अपने चलता रहेगा। तो ये अभी सूख जाए फिर इसको ऊपर मैं हैंग कर दूँगी, फिर तो आप लोग हमारे गार्डन में देखते ही रहेंगे इसको। और कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।